साथ हैं के के जी ये बताइए आप ईस्टर्न कमांड जीओ सी हैं, हैं लेकिन अगर मुझे ये ये समझना हो कि अब अग्निवीर की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे देश के लिए युवा अब सेना में भर्ती हो सके अग्निवीर की स्कीम जैसा आपको पता है कल लॉन्च की गई है ये एक तीनों सर्विसेज में जो जवानों का जो भर्ती था उसका एक सिस्टम है अग्निवीर में आज क्या होगा जो भी अग्निवीर हम लेंगे सिर्फ चार साल के लिए वो पहले करेंगे चार साल बाद में उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसमें से 25 को रिटेन किया जाएगा फॉर रेगुलर सर्विस एंड 75 विल बी अवेलेबल इन द सिविल इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया क्राइटेरियालेक्शन प्रोसेस टेस्ट कोई चेंज नहीं है जो एक नॉर्मल जवान की जो भर्ती होती थी पहले ये उसी तरीके से भर्ती होगी रिटर्न एग्जाम होगा फिजिकल टेस्ट होंगे मेरिट बनेगी उसी हिसाब से इनको लिया जाएगा एक सवाल ये भी उठ जाता है कि अब जो ये भर्ती होगी क्या पिछले कुछ वर्षों से दो तीन वर्षों से कोरोना की जो दिक्कत आई थी उस पर भी उसकी वजह से भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं ऐसा नहीं है अब वैसे तो हमें पता है कि पिछले डेढ़ साल से कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हो पाया था पर उसे कारण नहीं है ये एक नया सिस्टम शुरू किया गया है और इसके बाद में फौज की जो भी हो वो के हो के हो। जब आप भर्ती करते हैं तो अग्निवीर कहते हैं लेकिन जब उन चार साल बाद क्या उन्हें एक सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ उनकी सुविधाओं में क्या अंतर होगा देखिए अभी आज का जो सिस्टम है चार साल के बाद में जो 25 परसेंट जो लोग रहेंगे जिनको हम दोबारा रिक्रूट कर लेंगे वो एक नॉर्मल जवान की तरह से ज्वाइन करेंगे बाकी जो 75 परसेंट निकलते हैं उनको कोई एक्सेपमेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा पर उनके पास काफ़ी फैसिलिटीज हैं एक तो फौज में चार साल का एक्सपीरियंस एक डस्टबिन फौज में रह के ट्रेनिंग का तो जो एक्चुअल सिविल सीट में बाहर किसी भी जॉब के लिए दे विल बी फार मोर कॉम्पिटेंट देन अ नॉर्मल पर्सन हु जस्ट कमिंग आउट फॉर कॉलेज और स्कूल यही बात आपकी फौज में ट्रेनिंग के बाद फौज में एक्सेस के बाद क्या फौज को इसको किसी तरह की दिक्कत हो सकती है क्योंकि चार वर्षों में जब आप कहीं रहते हैं किसी भी प्लेटून में किसी भी इलाके में तो वहां पर आपको एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कॉन्फिडेंशियली फैक्टर को, को कोई झटका लगेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये जिस लेवल पे एक्चुअली रिक्रूट होते हैं और जिस लेवल पर लोग फंक्शन करते हैं वहां पर उनका ऐसा ही कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के पास नहीं होता है जो बाद में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब आप बात कर रहे हैं इस साल के रिक्रूटमेंट्स की ये कब से शुरू हो जाएंगे इस प्रक्रिया में और आने वाले दिनों में आगे कैसे देखे? अगले तीन महीने में ये रिक्रूटमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा आपका संदेश उन लोगों के लिए उन युवाओं के लिए जो इसके लिए ट्राई कर रहे हैं वो कौन सी तीन बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि आपने खुद सेवा में इतने वर्ष बिता दिए हैं नहीं उनको कोई भी चीज का जो है शक नहीं होना चाहिए पहली बार नई स्कीम लॉन्च की गई है उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए एंड आप कम्पीट कीजिए ज्वाइन कर चार साल आप अच्छी मेहनत करेंगे ट्रेनिंग करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं टू तो गेट रिटेन इन दो ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड अगर आप रिटेन भी नहीं भी होते हैं तो भी चार साल की आपकी सर्विस और जो, जो ट्रेनिंग जो है वो आपको इतना एक काबिल बना देगी कि आपको बाहर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी लेकिन फौज को छोड़ने के बाद सिविलियन बनने का जो एक जज्बा और तमगा दोनों एक साथ होता है वो कितना एक सवाल ये कि चार साल की डेडिकेशन और ये जानते हुए कि आपकी पूरी जिंदगी फौज के साथ होगी तो जो सिक्योरिटी लेवल होता है कॉन्फिडेंस लेवल होता है सेना के प्रति कि कुछ भी होगा सेना हमें देखेगी और कॉम्पनसेशन भी देगी उसको कैसे अग्निवीर एग्जिट करने के बाद में एक नॉर्मल सिविलियन uh, है उसको कोई एक्सेसमेंट की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी बट मैंने बोला ना उसके पास और बहुत सारे ऑप्शनस हैं लाइक आर्मी के अंदर एक आज जवान जब ज्वाइन कर लेता है उसको छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत आती है बट यहाँ पे इस स्कीम के अंदर जो है बहुत सारे लोगों को एक मौका मिलेगा लार्ज जो यूथ है उसको एक मौका मिलेगा चार साल सर्विस करने के बाद में उसको एक एक्सपीरियंस होता है उसे एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है एंड मुझे पूरा यकीन है कि बाहर आके सिविल में कहीं भी कोई भी जॉब करना चाहेगा तो उसको उसमें काफी एडवांटेज मिलेगा एडवांटेज तो मिलेगा खासतौर से उन लोगों को जो इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे लेकिन